आज क्लास देखा वन ए वन बी चैप्टर में कंप्लीट कर सारी आज क्लास वन सी स्टार्ट करिबा। प्रथम वन सी कॉन्सेप्ट धारणा विषय टिके जानिबा जे कौन कौन आमको पढ़वार अच्छी आउ रखिकी ताकू ध्यान रखिकी आम वन सी को समाधान करिबारे संभवपर हो पारिबा। तो प्रथम कॉन्सेप्ट जानिबा, कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देख समांतर सरल रेखा क्या कहे पिला बेले तुम्हें बहुत थर पढ़ी थ यदि आम स्केल गोटे रखुचे ए स्केल रो दुई पार्श्व देख ए स्केल रो जदि ए लाइन को एमती बढ़े 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 चली ए लाइन को जदि मु बढ़े बढ़े चली एमाने अनंत दूरता पर्यंत जिते दूरता पर्यंत तमे चाहिबो बढ़ेले भी ए दुईटी रेखाखंड दुईटी सरल रेखा परस्पर को कौनसी जगार छेद करिबे नाही। तमे याडो बढ़ाओ किंबा एपटु बढ़ाओ एमाने जिते डिस्टेंस इनफिनिट डिस्टेंस पर्यंत अनंत दूरता पर्यंत गले मध्ये माने परस्पर को छेद करिवे नाही एमानु कोई कोन को जे समांतर बा ताकु इंग्रजी रे कहा जे पैरेलल पैरेलल बोली कहा जायते बुझेला। देखो आमे संज्ञा करिवा संज्ञा आमे तटा मु तुमको बुझेई देली तापर देखिबा संज्ञा बा डेफिनेशन कोन कोन कहला एक समतल रे अवस्थित दुईटी पृथक सरल रेखा छेद करु नथिले तबे सेमानंकु समांतर सरल रेखा कहा जाए। गोटे समतल दुईटी सरल रेखा अच्छा एवं सेमाने परस्पर को छेद करूना नहीं तेरे से कौन कह समांतर सरल रेखा बोली कह। देखो एटा एक्चुअली डेफिनेशन एमती हवा कथा कौन केमती जदि दुईटी पृथक सरल रेखा ये गोटे पृथक सरल रेखा ए हाँ ठीक अच्छे प्लान ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं। ओके दुईटी पृथक सरल रेखा ये जदि परस्पर को कौनसी जगार छेद करिबे नाही ताको में कौन कही परिबा गोटे समांतर सरल रेखा बा पारला लाइन्स बोली कही परिबा। एठी जदि दुईटी सरल रेखा नहीं ची मु एल वन सरल रेखा एवं एल टू सरल रेखा ताले एल टू सरल रेखा एल वन ओ एल टू रेखा तो जदि समांतर हुवंती ताको मु लिखि परिबी एल वन ये हूँ समांतर चिन्ह एल टू तो एल वन समांतर चिन्ह एल टू जहा एल टू समांतर एल वन से एक जिनस बुझेगा। तो समांतर सरल रेखा क्या कह गोटे समतल अवस्थित दुईट पृथक सरल रेखा यदि परस्पर को छेद करू न था तेरे से आम समांतर सरल रेखा कह यदि एल वन एवं एल टू दुईट समांतर होता आम ये एटा हूँ समांतर चिन्ह तो एल वन समांतर एल टू कह एल वन समांतर एल टू जहा एल टू समांतर एल वन से एक जिन एल वन एल टू सहित समांतर एल टू एल वन सहित समांतर उभय परस्पर सहित समांतर ये गोटे स्वीकार्य पढ़ा एक्जिम गोटे पढ़ा स्वीकार्य कौन कहला गोटे सरल रेखा मनकर गोटे सरल रेखा टी अंकन कल गोटे सरल रेखार बहिस्त एक बिंदु मध्य प्रति अंकित प्रति समांतर केवल गोटे सरल रेखा हो पार अर्थात जदि गोटे सरल रेखा एल वन अच्छी एल वन रोटे बहिस्त बिंदु पी अच्छी पी मध्य देखिए गोटे एल वन प्रति केवल एवं केवल गोटे मात्र कौन समांतर सरल रेखा गोटे मात्र सरल रेखा सृष्टि हो पार। तो ये समस्त कनसेप्ट आउ थे केवल डायग्राम साहय तुमको बुझेद प्रथम कनसेप्ट कहला एक समतल जदि दुईटी पृथक सरल रेखा अवस्थित थांती एवं सेमाने परस्पर को छेद करू नथिबे माने जदि छेद जदि कला ए एभली भाबरे गोटे सरल रेखा अछि एभली भाबरे गोटे सरल रेखा अछि देखो एमाने परस्पर को छेद करू नहांती किंतु एमाने समांतर सरल रेखा नहंती काहेकि कि ना आकु जदि आमे पछ बटु बढेबे एमिति सरल रेखा त बढी परिबो उभय पार्श्वरे जदि एमिति बढेबा देखो ये जे कोनसी गुडा डिस्टेंस रे परस्पर को छेद करूचंती किंतु एई दुटी सरल रेखा लक्ष्य कर तमे जेते आगु को बढाओ ना काहेकि ये परस्पर को केबे मध्य छेद करिवे जेते भी बढा पछु कि ये परस्पर को केबे मध्य छेद करिवे नाही तो आकु कोन कहबा आमे समांतर सरल रेखा कोन कहबा समांतर सरल रेखा जदि ये एल वन सरल रेखा हुए एल टू सरल रेखा हुए आम कौन कह एल वन समांतर चिन्ह यहाँ एल टू बोले एमती लिखिपर एल टू समांतर एल वन ये उभय जिनस सामान एल वन समांतर एल टू जहाँ एल टू समांतर एल वन से एका जिनस
स्वीकार्य कौन पढ़िले स्वीकार्य कहले जे गोटे सरलरेखार जो गोटे बहिस्त मन कर एल वन सरलरेखार गोटे बहिस्त बिंदु पी अच्छी पी बिंदु मध्य एवं एल वन सहित समांतर होता केवल गोटे कौन सरलरेखा सृष्टि केवे भी ताटो अधिका सृष्टि ही पारिबो नाही ए सब कांसेप्ट धीरे धीरे बुझिबा कि उपपाद्य नंबर 3 र बेसे किछि इम्पोर्टेंस नाही केवल तमे परीक्षा दृष्टि रु एटी को मन रखिबो हला तथापि जेहेतु बुक र अछि मते न पढ़ले सर कहबो सर आपण पढ़ले नाही तो मते पढ़िया कहि पड़िबो देखो कोन कहिला प्रथमे बुझिबा एक समतल रे अवस्थित ओ परस्पर ठारु पृथक जो सब सरल रेखा अन्य एक सरल रेखा सह समांतर ताले देखिबा गोटे समतल अवस्थित अछंती एवं परस्पर ठार पृथक मन कर समांतर सरल रेखा टी अंकन कर दउछ देख किम करिबा मन कर ये होची एल वन सरल रेखा ये होची एल टू सरल रेखा एवं ये होची एल थ्री सरल रेखा माने कौन कहला एक समतल अवस्थित अच्छा एल वन एल टू एक समतल परस्पर ठार पृथक पृथक मान कौन अलग 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 अच्छा जो सब सरल रेखा मन कर एल टू आउ एल थ्री टा एल वन सहित समांतर तमें कहे तीनो जाक समांतर हम मान एक्चुअली कथा कौन कही गोटे तीन प्लस दुई गोटे दुई प्लस तीन आ गोटे वन प्लस फोर से कहला जेटार मूल्य जदि या सहित सामान यार मूल्य जदि या सहित सामान तेल तीन टा जाक सामान सेम कथा तो मुझे दत्त प्रामाण्य लिखल तुम टे अंडरस्टैंडिंग बुझीपर प्रथम जेहेतु उपवाद्य देखिए दत्त प्रामाण्य प्रमाण तुमको लिखा को पड़ब दत्त कौन दे एक समतल अवस्थित परस्पर ठारु पृथक ताल कौन लिखा ना एल वन सरल रेखा एल टू सरल रेखा ओ एल थ्री कौन एक समतल अवस्थित एक समतल अवस्थित ठीक अच्छे एवं कौन अवस्थित ता सहित पृथक ता सहित कौन परस्पर ठार पृथक अवस्थित पृथक लिखिद अवस्थित पृथक सरल रेखा सरल रेखा है ये दत्त एति ही दत्त देखिए आज किसी देनी जदि अर्थात लिखिदेव अर्थात कौन कहला एल वन टाक समांतर हम एल टू एल वन समांतर एल टू एवं एल वन समांतर एल थ्री एटा दत्त देखिए मानने ये गोटे सहित ये या सहित सामान ये या सहित समांतर 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 बोली कह ताले आमको प्रामाण्य करिबा को देछि प्रमाण करिबा को देछि जे मु जेमति कहली माने कर प्रथमटा होछि 2 प्लस 3 द्वितीयटा 3 प्लस 2 तृतीयटा 1 प्लस 4 एई टर्म या सहित समान बोली कहिला एवं एई टर्म या सहित समान बोली कहिला वर्तमान कहिला जे एई दुईटा समान हे बुझी पारल देखो एल1 समांतर एल2 बोली कहिला तापर कहले जे एल1 समांतर हो एल3 सहित ता ताहले प्रमाण कर जे एई दुईटा मध्ये परस्पर सहित समान हेबे एल टू समांतर एल थ्री हेबे बोली प्रमाण करबा कोइला प्रमाण करबा प्रमाण आमे असंभव मान अनुसार करबा जोड देख मन करो एदि कोन नबा मन्ने करो एल वन मन्ने करो मन्ने करो मन्ने करो कोन कला मन्ने करो एल टू और एल थ्री समांतर नुहंती मन कर एल टू ओ एल थ्री समांतर नुहंती समांतर नुहे बा नुहंती जहां भी लिख पार समांतर नुहंती जदि समांतर नुहंती पे मैंने समांतर अर्थ कौन पड़ते दुहे परस्पर को केवे छेद करिवे नाही जेहेतु आम ने मन कर एल टू एल थ्री समांतर नुहंती मानी कौटि ना कौटि परस्पर को छेद करुथिबो बोले आम धरी नहीं चे मन कर ये परस्पर को बी पी बिंदु रे छेद करंतु तार में लिखिबा सेमाने सेमाने परस्पर को पी बिंदु रे छेद करंतु पी बिंदु रे छेद करे पी बिंदु रे छेद करंतु
पी बिंदु रे छेद करंती ए जिन समय लिखि परिबा किंतु आमे देखिले जे दत्तरे देइछि कोण l1 समांतर l2 माने l1 समांतर l2 अर्थात l1 आउ l2 परस्पर रो कोण अणछेदी दत्त अछि कोण l1 समांतर l2 हेतिबारु हे लिखिबो हेई थिबारु हेई थिबारु आमे को लिखिबा l1 l1 ओ l2 अणछेदी अणछेदी अर्थात कोण परस्पर को छेद करिवे नाही यदि परस्पर को छेद करिवे नाही तले आमे कोन कहि परिबा l1 देखो l1 l2 छथि समांतर तले l1 रे जो बिंदुटा अछि से बिंदु केबे केबे बी l1 रे रहिबने हैना l1 गोटे जगह रे गला l2 गोटे जगह रे गला l2 ऊपर जदि कोनोसी बिंदु माने कर देखो l2 ऊपर जदि कोनोसी बिंदु देखो मटी साइड ले देखै दउची दुईटी समांतर सरल रेखा छ एठी p अछि माने कर एठी p अछि ला एठी p अछि एठी q अछि तले l1 रे जो l2 रे देखो एठी जो बिंदु अछि ये केबे भी ए सरल रेखा पर रहिबो नाही काहे कि परस्पर अणछेदी ना तो l2 पर जदि हमें p अछि बोली कहिले तले l1 ऊपर केबे भी p रहिबो नाही बात तो जी ओटे धाडी रे कहिबा जे पी बिंदु होची पी बिंदु l1 रो बहिष्ट बिंदु l1 सरल रेखा रो बहिष्ट बिंदु l1 सरल रेखा रो बहिष्ट बिंदु ओके बहिष्ट बिंदु जामे बाहर कर देले तापरे गोटे टर्म आमे पढ़िथिले कोण से जिंसटा होची स्वीकार्य नंबर 9 कोण पढ़िथिले ना आमे पढ़िथिले जत्ते बेले कोनोसी सरल रेखा सहित सरल रेखा एक बहिष्ट बिंदु माने कर l1 रो सरल रेखा p थाए तले से p बिंदु देकी केवल एवं केवल गुटिए सरल रेखा जोटा कि l1 सहित समांतर हो तहा अंकन करा जाई परिबो ताहले आमे देखो आमे कोन पढिबा l1 रो बहिष्ट बिंदु जो p अछि l1 रो बहिष्ट बिंदु p मध्य दे p मध्य दे देखो जेहेतु आम कहले एल ओन एल टू दुईटा जगह पी अच्छी एल ओन रहिष्ट बिंदु पी दे एल टू ओ एल थ्री केवे भी एल ओन सहित समांतर एल ओन सहित समांतर बोली कहचे किंतु ये स्वीकार्य अनुसार किंतु किंतु स्वीकार्य अनुसार ये असंभव किंतु स्वीकार्य अनुसार एहा असंभव जदि एई जिनिस जोटा के नहीं मन कर एल टू एल थ्री समांतर नुहंती ताको हम असंभव कहिले तले आमे कहि परिबा जे एल टू समांतर एल थ्री हम हला ये बेसिकली इम्पोर्टेंट बेसी ना तुमको केवल यही पॉइंट मन रखा पड़ो तथापि यही कनसेप्ट को मु आउ थरे तुमको केवल डायग्रामेटिकली बुझाप चेष्टा कर जेला दिस इज नॉट वेरी इंपोर्टेंट बट जोटा उपपद्य तीन रे देची से लाइन टा को मन रखिबो से लाइन टा कोन ताकु भी मु शॉर्टली कह दउची से लाइन टा कहिला एक्चुअली कथा जदि तीनोटी सरल रेखा उपस्थित अछि मोर देन 3 भी चलिबो कि असुविधा नै l1 सरल रेखा l2 सरल रेखा l3 सरल रेखा से कहिला जे जदि l1 सरल रेखा सहित l2 सरल रेखा समांतर l1 सहित l2 सरल रेखा कौन कहला ना l1 सहित l2 सरल रेखा समांतर तापर कहला जे l1 सरल रेखा सहित l3 मध्ये समांतर l1 सहित l3 माने l1 सहित l2 तो समान ता सहित l1 सहित l3 भी समान तले मैं कहि पर जे तीनटा जक कोन बे परस्पर सहित समांतर l1 समांतर l2 समांतर l3 बुझेला ए कांसेप्ट एक्चुअली पचर छे से कोन कहला कांसेप्ट एटिक आउथर बुझिबा जदि तीनोटी सरल रेखा दिछि कौन दी मु खाली डायग्राम टिकली बुझौछि कारण जो पिला डायग्राम रे बुझी गला से पिला निजे आराम से लिखि दे परबो देखो l1 l2 l3 तीनटा दीछि देखो आमे प्रमाण करिबा हमकु दत्त दीछि जे l1 टा l2 सहित समांतर l1 टा l3 सहित समांतर प्रमाण करियो दीछि l2 समांतर l3 हबो देखो मन्ने कर आमे नेले l2 आ l3 समांतर नहुंती ताहले जदि समांतर नुहंती ये परस्पर को कोनोसी कोनोसी गोटे बिंदु रे छेद करथिबे माने कर ये उभय पी बिंदु रे छेद करन ताले जदि पी बिंदु रे छेद कहिला देखो
आमे दत्त अछि जे l1 समांतर l2 यदि l2 रे p बिंदु रहूछि जेहेतु l1 l2 समांतर मु जेमति कहिली दुईटी सरल रेखा जदि अछि l1 आ l2 सरल रेखा l2 सरल रेखा रे जो बिंदु रहिबो से कदा p l1 सरल रेखा रे रहिबो नाही काहेने ये परस्पर अणुछेदी तले l2 रे जदि p बिंदु रहूछि से कदा p l1 बिंदु रहिबो नाही तले l1 रो बहिष्ट की होबो बहिष्ट ई जीव p बिंदु बहिष्ट की होबो p बिंदु एवं हमें स्वीकार जो कोन पढिले पिला माने स्वीकार देखो स्वीकार जो कथा ठीक परे बुझिबा वर्तमान जो p बिंदु कोठी अछि l2 रे भी अछि l3 रे भी अछि किंतु स्वीकार जे पढिले जेते बेले भी हमें कोसी सरल रेखा अंकन करू छे तार गोटे बहिष्ट बिंदु माने कर p अछि l1 रो माने कर बहिष्ट बिंदु p अछि p बिंदु मध्ये देखि केवल एवं केवल गोटे सरल रेखा अंकन हे परिबो जोटा कि l1 सहित समांतर होतिबो किंतु एठी l2 आ l3 दीटा सरल रेखा समांतर हे जाउछि सेति पई ये स्वीकार जे को खंडन कर दउछि स्वीकार जे को भूल प्रमाणित आमे स्वीकार जे को केबे भूल कहि परिबानी तमे कहिबा जे जोटा नैथिले जे l2 आ l3 पैरेलल हेबे नाही सेइटा भूल प्रमाणित होला एवं तार ओलोटाटा सत्य प्रमाणित रा जोटे कुछ l2 समांतर l3 पिलाने वीडियो तुम पाखे रहिला बारंबार बारंबार रिपीट करके खातरे गोटे गोटे लाइन करके लिखिबो डेफिनेटली बुझिबो फास्ट फास्ट समस्तों को प्रॉब्लम होए एवरीबॉडी विल फेस प्रॉब्लम बट धीरे धीरे कांसेप्ट सब क्लियर हे जाए द नेक्स्ट देखिबा आ गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक समांतर सरल रेखा और समानंकर छेदक समांतर सरल रेखा विषय आलोचना कले ना गोटे समतल रे जेतले दुईटी पृथक रेखा परस्पर को छेद करिबे नाही से अनंत दूरता पर्यंत टाणी कि नियो से कोनोसी प्रकार छेद करिबे नै ताको हमें समांतर सरल रेखा वा पैरेलल लाइंस को दिले एटी गोटे नोआ जिंस पढिबा ताना होचि कोन छेदक पता को इंग्रजी रे कोन कोचे ट्रांसवर्सल छेदक नार सुनि परथबी ये छेद करथियो वा कट करथिबो ट्रांसवर्सल नै ये तार देखो कौन कहिला यार संज्ञा डेफिनेशन कौन कहिला डेफिनेशन कहिला जे गोटिए सरल रेखा जदि दुई बा तत्वधिक समांतर रेखा को छेद कले ताहा को संपूर्ण रेखा मानंकर छेदक बा ट्रांसवर्सल कहाचे सिंपल भाषा टिके बुझेबा एई जो चित्र देखु छ पिला माने एई चित्र रे ए बी सरल रेखा समांतर छि का सहित सी डी सरल रेखा सहित वर्तमान ए बी समांतर सी डी रहिला बेलकु ताकु छेद करूछि कि मनकर आकु ना दे दुछि एफ दे दुछि आकु पिलान देखो ए बी एवं सी डी कु ए बी एवं सी डी दुईटी सरल रेखा कु गुटी सरल रेखा एटी छेद करूछि से छेद के करूछि ई एफ सरल रेखा करूछि तले ई एफ कु कोन कहि परबि ई एफ कु कहिबि छेदक छेदकर सामान्य अर्थ होउछि जेतले गोटे समतल रे दुईटी सरल रेखा बस दुईटी समांतर सरल रेखा थाए ताकु गोटे सरल रेखा जेमति केटी देखि परुचो ए बी एवं सी डी दुईटी समांतर सरल रेखा ताकु के छेद करूची ई एफ छेद करूची तो ई एफ कु कहिबा मे ए बी आ सी डी रो छेदक बा ट्रांसवर्सल तबले आमे जेते बेले दुईटी समांतर सरल रेखा कु गोटे छेदक छेद करे सेते बेले समुदाय भावर जदि हमें कहिबा को जिबा आठ गोटी कोण सृष्टि होय केतरी सृष्टि होय कोण ना समुदाय आठ गोटी कोण सृष्टि होय सेई कोण गुडा को मु देखो नाम ना दे दीची फर्स्ट कोण सेकंड कोण थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट एई बेले भावर आठ गोटी कोण सृष्टि होची ए जो आठ गोटी कोण सृष्टि होय बा द्वितीय समांतर सरल रेखा को जेतेले गोटे छेदक छेद करे एवं सेथरो आठ गोटी कोण सृष्टि वे से आठ गोटी कोण मध्ये किछिटा सामंजस्य रहिछे बा पार्थक्य रहिछे ताकु तमे आगु को जानिबा किंतु आमे दीटा नुवा टर्म सिखिबा गोटे उची एकांतर कोण आ गोटे उची अनुरूप कोण प्रथमे जानिबा आमे एकांतर कोण विषय एकांतर कोण को इंग्रजी रे आमे को पिला माने अल्टरनेट एंगल्स काहिं कि मु बारंबार इंग्रजी शब्द रो प्रयोग करूची काहिं कि ना नवम दशम सरीबा परे प्लस 2 फर्स्ट ईयर कॉलेज लाइफ रे एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश समस्त जिंस इंग्लिश रहबो तो इंग्लिश वर्ड को भी टिके टिके माइंड रे रखी थाओ इट विल बी वेरी यूजफुल वेरी हेल्पफुल फॉर योर कॉलेज लाइफ उपाय बहुत दरकार हो देखो
एकांतर कोण कोण देखो एकांतर कोण कहबा एंगल 3 आउ एंगल 6 होचंती एकांतर कोण एंगल 4 आउ एंगल 5 होचंती एकांतर कोण एकांतर कोण एक अंतर एकांतर कोण 3 सहित 5 एकांतर 4 सहित 5 एकांतर बा जदि मु कहबी एंगल ए जी एच सहित एंगल जी एच डी समान होबो एवं देखो माने एकांतर कोणटा कोण एक्चुअली समान रे से आगु कमे पढिबा प्रथमे जान पिला माने एकांतर कोण कोटा कोटा 3 आउ 6 माने देखो एंगल ए जी एच ए कोण एवं एंगल जी एच डी ए कोण कोण हे एकांतर हेबे सेमति 4 आउ 5 ए दुटा कोण हे एकांतर कोण हेबे तापर देखिबा अनुरूप कोण बा इंग्रजी रे ताको कोचो मे कोरेस्पोंडिंग एंगल कोण कोरेस्पोंडिंग कोरेस्पोंडिंग एंगल कोण को सीओ ओके देखो कोरेस्पोंडिंग हम कहबा 2 आउ 6 मैं देखो मैं पेन चेंज कर दूची बुझेर सदव 2 आउ 6 कोरेस्पोंडिंग 1 आउ 5 कोरेस्पोंडिंग देखो गोटे छाड़ी की गोटे छाड़ी की गोटे 1 3 2 6 सेमिति 3 सहित 7 4 सहित 8 बुझेला येला कोरेस्पोंडिंग एंगल 3 सहित 7 आउ 4 सहित 8 येला कोरेस्पोंडिंग एंगल ए बर्तन जति की भी पढिले ताकू टिके मु कोन करूची केवल एवं केवल डायग्राम माध्यम रे आउ थरे टिके बुझुची पिला माने जमिति रे ना मुख्य काम होउची डायग्राम जो पिला माने डायग्राम रे बुझी परुचंती से मानकर अंडरस्टैंडिंग पावर भलो से माने गोटे जिंसडा को सहज रे बुझी पर देखो मु आउ थरे कह दउची प्रथमे पढिबा आमे छेदक काहा को कहाचे जेतेबेले दुईटी सरल रेखा अवस्थित थांती माने कर सरल रेखा रो ना दे दउची L1 सरल रेखा L2 सरल रेखा L1 एठी L1 समांतर L2 जदि L1 एवं L2 को गोटे सरल रेखा छेद करिवो तार ना दे दउ छमे L3 ताले एठी 8 गोटे कोण सृष्टि होय कोटा देखो देखो 1 2 3 4 हला 5 6 हला 7 एवं 8 एई बुली अबरे 8 गोटे कोण सृष्टि होबो पिला माने L1 समांतर L2 आमे जानी छे एवं L3 कोण L3 उची तारो छेदक L3 उची कोण छेदक एवं जेतले दुईटी समांतर को गोटे छेदक छेदकला 8 गोटे कोण सृष्टि होला तो प्रथमे आमे कोण देखिबा एकांतर कोण कोण एकांतर कोण बा कोण अल्टरनेट एंगल्स कोण देखो 3 आउ 6 अल्टरनेट कोण हला 4 आउ 5 अल्टरनेट कोण एवं मन रख एकांतर कोण गुडा कर परिमाण मध्य सबले समान समान हो आउ कोण पडिथिले अनुरूप कोण कोण अनुरूप कोण अथवा को छ कोरेस्पोंडिंग एंगल कोण 1 सहित 5 1 एंड 5 कोरेस्पोंडिंग 3 सहित 7 कोरेस्पोंडिंग सेमति 2 सहित गोटे छाडी दियो 6 2 एंड 6 कोरेस्पोंडिंग आउ 4 आउ 8 कोरेस्पोंडिंग 4 आउ 8 होची कोरेस्पोंडिंग 4 आउ 8 जानि पडछ त कोण रो नाम दे दिछ तमे चाहिले नाम अनुसार मध्य प्रीवियस इमिति पढ़ी छी फिर प्रिबो तो बिला ने मन रख एकांतर कोण को कोटा अनुरूप कोण को कोटा या ऊपर कोण रिलेशन रहिला कोण संपर्क रहिला जो अंतस्थ पढ़ी थिले एकांतर कोण अनुरूप कोण विषय आलोचना करथिले ता परवर्ती रे आमे आउ गोटे टॉपिक पढ़ीबा जोटा कि छि अंतस्थ कोण कोण एवं बहिस्थ कोण कोण पिला ने मन रख जते बेले दुईटी समांतर सरल रेखा को गोटे छेदक छेद करथिला सेतेबेले 8 गोटी कोण सृष्टि होतला से कोण को नामित कर दिछि 1 2 3 4 5 6 7 8 एई बिढ मु ताको नामित कर दिछि तले सेइ भितरु अंतस्थ कोण कोण अंतस्थ कोण बा इंग्रजी रे कोआ जे इंटीरियर एंगल्स कोण इंटीरियर बा अंतस्थ भितरे को कोण अछि देखो भितरे को कोण अछि 3 4 5 6 ये सब भितरे अछि त अंतस्थ कोण कोण 3 4 5 6 तमे चाहिले ताको नाम रे लिख परिबो जंति कि एंगल ए जी एच एंगल जी एच सी एंगल एच जी बी आउ जी एच डी तमे चाहिले मते नाम नामित कर परिबो आउ एते दूर आसिलणी तमे कोण गुडा को भी केमति नाम नामांकित करा जाय बा नामित करा जाय तो से जानि सकतिबो ठीक अछि आ बहिष्ट कोण कोण जो कोण को बाहर रहला बाहर के करला 1 2 7 आउ 8 इयाला बहिष्ट अंतस्थ अर्थात जोटा भीतर रहला बहिष्ट अर्थात जोटा बाहर रहला बहिष्ट कोण कमे कोण कुछ एक्सटीरियर एंगल कुछ पिला जते मु जहा भी पढौ छी ना प्लीज सेते बेले गोटे
खाता पेन धरिकी बस एवं जहां मु लेखुची नोट्स गोटे बढ़िया सुंदर खाता कर एवं से खातारे आपको सबुदिक गोटे 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 टीप रख जमी जो बुक सर आमर से तम पाखे गोटे सलीड नोट्स बढ़िया बढ़िया आकार जो थे कि कनसेप्ट भी लिखाई थी जो थे कि एक्सरसाइज भी थी एवरीथिंग विल बी देयर जोटा कि तुमको रिविजन कर हेल्पफुल कर तो मन रख अंतस्थ कौन कौन जो भितर रहा जमी कि तीन चार पांच छ बयस तो कौन जो बाहर रहा वन टू आउ सेवेन एंड एट पाने जो पढ़ी एकांतर कौन कथा एकांतर कौन कौटा कौटा हो थ्री आउ सिक्स एकांतर फोर आउ फाइव एकांतर कि मन रख पाने जो एकांतर कौन सृष्टि हुए से मैंने समपरिमाण विशिष्ट हमें मन कर कोणटा जदि षाठी डिग्री है यही कोण षाठी डिग्री हम यही कोण जदि शहे कोड़े यही कोण शहे कोड़े डिग्री हम अर्थात समपरिमाण विशिष्ट होता एंगेल तीन रिमाण जहा एंगेल सिक्स रिमाण से एंगेल फोर रिमाण जहा एंगेल फाइव रिमाण से अर्थात एकांतर कोण गुड़िकर परिमाण कौन थाए सब सामान थाए तापरे आउ कौन पढ़ा पढ़ी थे अनुरूप कोण पढ़ी थे कि आउ गोटे जिन जाना जे एकांतर कोण गुड़ाक जमी समपरिमाण विशिष्ट होगा सेमिति अनुरूप कोण गुड़िक समपरिमाण विशिष्ट माने एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल फाइव देख एंगल वन का सहित समान हम एंगल फाइव सहित समान हम एंगल थ्री का सहित समान हम एंगल सेवेन सहित समान हम है सेमती टू सिक्स सहित समान हम टू सिक्स सहित समान हम आ फोर एट सहित समान हम अर्थात अनुरूप कोण गुड़िकर परिमाण कौन सामान सामान था बुझी पार्ला पे मैंने वेरी वेरी इंपोर्टेंट कनसेप्ट गुड़ाक खातार नोट डाउन करके तुम मैंने रखीद खातार कौन कर नोट डाउन करके तुम सब कनसेप्ट गुड़ाक टिपिक रखी जमीती कि एग्जाम जिते आम पढ़ेबा से अनुसार जब टिपिक रखुच खातार गोटे बढ़िया सुंदर सुंदर अक्षर करके नोट्स करके रख नोट्स कले बुझाक भी सहज हम प्लस तुम गोटे कनसेप्ट पढ़ा समय जो लिखा ना सी शीघ्र जिनसा मन रही जाए देख लास्ट पॉइंट आम देखा ये थर्ड नंबर पॉइंट दिस विल बी वेरी वेरी इंपोर्टेंट दिस विल बी वेरी वेरी इंपोर्टेंट देख मेरा सब नामांकित कर दूची ए बी सी डी ई एफ जी एच देख वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट देख दिस विल बी वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा तमे टिके जानिया को पड़ी देख कौन कह जे अंतस्थ कोण द्वयर अंतर्देश छेद कर एक पार्श्वर अवस्थित से माने परस्पर परिपूरक माने कौन बुझे प्रथम देखिबा अंतर्देश कोण किए किए अंतर्देश कोण किए किए देख अंतर तीन गोटे पांच गोटे चार गोटे छ देख ये छेद कर ये छेदक इफ र गोटे पार्श्व किए अच्छा तीन आ पांच आ गोटे पार्श्व किए अच्छा फोर आउ सिक्स जिते जो तीन आउ पांच को तीन नंबर कोण पांच नंबर कोण को एड करी ये सब शहे अशी डिग्री हम सेमती चार छद करी ये आसे अशी डिग्री से ही कहला अर्थात अंतर्देश कोण गुड़िक जो मैंने छेदक गोटे पार्श्व रेबे से दुईटार जोगफल शहे अशी डिग्री जो मैंने छेदक अन्य पार्श्व रेबे से दुईटार जोगफल कते हम शहे अशी डिग्री जमीती लिखी दे देख ए जी एच को कौन ए कौन सी एच जी सी एच जी सी एच जी हेले ए कौन ए दुटा कोण मिसले केते 180 डिग्री सेमती ए कोण आ ए कोण मिसले केते 180 डिग्री बर्तमान जहा जहा कहली समस्त जिनिस को मु आ गोटे थर रिवाइज कर दउची क्लीन करिकी आ थर तुमको से कांसेप्ट को बुझे दउछ देखो कोण कहिला जत्ते बेले दुईटी सरल रेखा परस्पर को परस्पर सहित समांतर एवं गोटे छेदक थाए मन कर ए बी आउ सी डी समांतर रहा एवं ई एफ हला ये होची तार छेदक सेतेबेले केतरे कोण सृष्टि हुए आठ गोटी कोण सृष्टि हुए एक दुई तीन चार पांच छ सात आठ पिला माने प्रथम पॉइंट पर कहला जे अंतस्थ कोण कोण अंतस्थ अर्थात अर्थात कोण जो कोण गुड़ाक अंतस्तर अच्छी भितर अच्छी कोड़ा कोड़ा तीन चार पांच छ तीन चार पांच आउ छ
तापर पचारा जे बहिस्थ कोण कोण बहिस्थ कोण अर्थ कोण जो कोण गुड़क बाहर अच्छी जमी कि 1, 2, 7, 8 1, 2, 7, and 8 है थर्ड नंबर कौन कहला जे एकांतर कोण गुड़ाक समान एकांतर कोण गुड़ाक समान एकांतर कोण गुड़ा कोटा 3 आउ 6, 4 आउ 5 ताले 3 सहित 6 समान आउ 4 सहित 5 समान फोर्थ नंबर पॉइंट कौन कहला अनुरूप कोण गुड़ाक समान अनुरूप कोण समान अनुरूप कोण गुड़ा कोटा 1 सहित 5 समान 1 सहित 5 समान 3 सहित 7 समान 3 सहित 7 समान 4 सहित देख 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 ये डायग्राम टा को ये छोटे आउ थे कर दूची सुविधा बुझ देख कि गोटे गोटे छाड़ी अनुरूप एकांतर कोण देख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 सहित 5 समान हला तापरे 3 सहित 7 समान सेमिति 2 सहित 6 समान 2 सहित 6 समान आउ 4 सहित 8 समान 4 सहित 8 समान हला ये हला गोटे पॉइंट आउ कौन कहिला लास्ट पॉइंट अमर कौन कही थिला लास्ट पॉइंट टा जे जो अंतस्थ कोण गुड़ी को छेदकर एक पार्श्वरे अवस्थित हे से माने परस्पर सहित कौन परिपूरक केमिति डायग्राम टिक भल बार बुझो दीटा सरल रेखा अच्छा माने परस्पर सहित परिपूरक गोटे छेदक आसला छेदक 8 गोटी कोण सृष्टि कला 5, 6, 7, 8 गोटी कोण सृष्टि कला पिला माने अंतस्थ कोण कोटा अंतस्थ कोण होची 3, 4, 5, 6 जेते बेले मु ए जो छेदक कथा कहिली माने कर छेदकर ना दे दूची ईएफ छेदकर ना दे दूची ईएफ एवं एमती अछि ना देखो ए जो छेदकर गोटे पार्श्वरे के रहूची 3 आउ 5 रहूची आ गोटे पार्श्वरे के रहूची 4 आउ 6 रहूची तले 3 नंबर कोण आ 5 मिसि कि 180 डिग्री हबो 4 नंबर कोण आ 6 नंबर कोण मिसि कि 180 डिग्री हबो एटा ही तो कथा जो अंतस्थ कोण गुड़िक सृष्टि हला जोटा कि 3, 4, 5 छेदकर जो माने गोटे पार्श्वरे रहिबे जो माने छेदकर गोटे पार्श्वरे रहिबे से दिटार कोण 180 आ जो माने छेदकर अलग पार्श्वरे रहिबे से मानकर कोण 180 डिग्री एही तो कथा कहला देखो या पर के बेस्ट करिकि गोटे छोटिया उदाहरण टे बुझौची जेडा जोटा बर्तन आगु पढिबा किंतु कि आउथर बुझैतबा दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट खातरे लिखिबो वीडियो को 2-3 थर देखिले सब सेटल हिजबो देखो L1 पैरेलल टू L2 L3 उचि छेदक मनेकर कहला जे ये 60 डिग्री ये पचला अन्य समस्त कोण गुडाक बाहर करो केमिति आमे एकांतर अनुरूप कोण एवं अंतस्थ एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण अनुजाय बाहर करबा या तो बाहर करबा बहुत उपाय अछि किंतु आमे से देखो एटा जदि 60 डिग्री हला या सहित अनुरूप कोण के एई कोण भी 60 डिग्री होबो हला एई कोण भी 60 डिग्री होबो तापरे देखो एई कोण केते आमे जानिने आमे जानी छे जे हां देखो ये हला 60 तो ये होची कोण तार प्रतिब कोण ये भी केते होबो 60 डिग्री होबो ये जदी हला ये भी तार प्रतिब कोण ये भी 60 डिग्री होबो देखो एईटार अनुरूप कोण एटा तो उभय समान हले ओके ठीक अछि तापर देखिबा जदि L1 सरल रेखा पर एटा 60 हला एटा केते होबो 120 काई कि एई दुटा कोण मिसि कि 180 होबा कथा तो 180 रु 60 माइनस करले 120 ये जदि 120 हला यार अनुरूप कोण के ये 120 होबो ठीक अछि जदि ये 120 हला एटा केते होबो 120 काई कि एकांतर कोण राइट एटा जदि 60 हला ये 60 काई कि एकांतर कोण हेगिला तापर ये तापर देखो ये जदि 120 हला एटा केते होबो 120 काई कि ये होंगे अनुरूप कोण है भाव में बहुत सारा क्वेश्चन आसो आधिक डिस्कसन कर कोर्स फिनिश हम ना नेक्स्ट देखा इंपोर्टेंट बर्तमान आम जहाँ पढ़ी से किसी उपपाद्य रही उपपाद्य को डिस्कसन करवा कौन दे देखा दुईटी समांतर सरल रेखा को एक छेदक छेद कले जेकोसी दुईटी अनुरूप कोण परिमाण समान है तो आपको आम के डिस्कसन देख आमे जहा देना सब जमीती रे चेष्टा करिबा पिला माने आमे डायग्राम टाको ड्र कर देबा दुईटी समांतर सरल रेखा गोटे छेदक एबिली भाव रे छेद करिछि दुईटी समांतर सरल रेखा किए ए बी सरल रेखा एवं सी डी सरल रेखा आकु माने कर छेद करिछि ई एफ सरल रेखा ई एफ होची छेदक
तुम्हें चाहिए एल ओन एल टू एवं एल थ्री जो डायग्राम कर ऑलवेज डू विथ योर पेंसिल पेंसिल साहब डायग्राम सब ड्र कर देख प्रथम दत्त लिखा दत्त कौन देखिए लिख दुईट समांतर सरलरेखा समांतर सरलरेखा किए किए अच्छी एठारे एबी समांतर सरलरेखा एबी सरलरेखा समांतर सीडी सरलरेखा एवं छेदक कोटा छेदक ईएफ ईएफ से मानकर छेदक ईएफ से मानकर छेदक ईएफ होची से मानकर छेदक दत्त लिखिले आउ कौन देखिए अनुरूप कोण परिमाण समान हुए जदि आम एटी नामांकित करदे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट तले पिला माने मते कह जे अनुरूप कोटा कोटा हम अनुरूप हम देख वन आउ फाइव अनुरूप थ्री आउ सेवेन अनुरूप सेमिति टू आउ सिक्स अनुरूप एवं फोर आउ एट हूँ टू एंड सिक्स एंड फोर आउ एट हूँ अनुरूप तले लिखीदे जे एंगल वन लिखा एंगल वन ओ ओ एंगल फाइव है एंगल थ्री ओ एंगल सेवेन एंगल टू ओ एंगल एट ओ लिखा ओके है एंगल फोर एवं एंगल एट ये कौन ना एक अनुरूप कौन ये कौन अनुरूप ये अनुरूप कौन है दत्त सरला प्रामाण्य कौन दे प्रामाण्य अर्थात जहाँ आम को प्रमाण करिवार अछि प्रमाण कौन करिबा जो अनुरूप कोण जोड़ा गुड़ाक अच्छा से मानकर परिमाण समान से सम परिमाण विशिष्ट बाकी मेजर एंगल वन इक्वल टू मेजर एंगल फाइव हम मेजर एंगल थ्री इज इक्वल टू मेजर एंगल सेवेन हम मेजर एंगल टू इज इक्वल टू मेजर एंगल एट हम एवं मेजर एंगल फोर इज इक्वल टू मेजर एंगल एट हम बोली कह टू सहित कि समान हम सिक्स हम पे सिक्स करदेव है टू सहित सिक्स फोर सहित एट तापर कौन करवा प्रमाण करवा प्रमाण यार बहुत सिंपल कौन केमी देख एंगल वन सहित किए सामान एंगल फोर सामान आम मेजर एंगल वन इज इक्वल टू मेजर एंगल फोर कहीं ये हूँ परस्पर प्रतीप कोण प्रतीप कोण प्रतीप कोण जेहेतु मेजर एंगल वन इक्वल टू मेजर एंगल फोर सहित सामान हम सेमती मेजर एंगल फोर इज इक्वल टू मेजर एंगल फाइव हम कहीं मेजर एंगल फोर सहित फाइव कौन पाई एम एकांतर कोण एमाने एकांतर कोण है आपको इक्वेशन नंबर वन पुट करो आपको इक्वेशन नंबर टू पुट करो वर्तमान समीकरण समीकरण एक आउ दुई को लक्ष्य करो एक आउ दुई रु आम कौन लिख पारा एंगल वन सहित एंगल फोर समान एंगल फोर सहित एंगल फाइव समान आम कहीपर जे एंगल वन सहित एंगल फाइव समान मेजर एंगल वन इक्वल देख मेजर एंगल वन इक्वल मेजर एंगल फोर मेजर एंगल फोर सहित किए समान मेजर एंगल फाइव आम कहीपर मेजर एंगल वन इक्वल मेजर एंगल फाइव वन सहित फाइव समान वन सहित फाइव समान ये डायग्राम कर मेजर एंगल वन सहित मेजर एंगल फाइव समान अर्थात आम ये गोटे आम प्रमाण करदे तो सब प्रमाण करने कौन से आवश्यकता ना तुम तले लिखिद तले को लिख तल को लिख प्रमाण करमाण कर यहाँ लिखीद एंगल थ्री इक्वल एंगल सेवेन एंगल टू इक्वल एंगल सिक्स एंगल फोर इक्वल एंगल एट बास वेरी वेरी सिंपल बहुत छोटिया कनसेप्ट रहा तो यही उपवाद्य को बर्तन मुझे केवल डायग्राम साहय बुझा चेषा कर देख के इजिली बुझीपर दुईट सरलरेखा देला है मन कर सरलरेखा एल वन और एल टू सरलरेखा आपको छेद करुच्चे मन कर एल थ्री हूँ छेद कौन कौन आस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन आईट ये आमको प्रमाण कर वन इक्वल टू फाइव थ्री इक्वल टू सेवेन टू इक्वल टू सिक्स एंड फोर इक्वल टू एट ये आमको प्रमाण करवा वन इक्वल टू फोर ये को कौन प्रतीप कोण वन इक्वल टू फोर हूँ प्रतीप कोण फोर इक्वल टू फाइव कौन फोर इक्वल टू फाइव हूँ एकांतर कोण फोर इक्वल टू फाइव हूँ एकांतर कोण बर्तमान देख वन इक्वल टू फोर फोर इक्वल टू फाइव तो आम लिखिपर एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर इक्वल टू एंगल फाइव मैंने एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव तो जोटा कि प्रमाणित हो गला
तो जदि आमे गोटे प्रमाणित कर देले लिखि दबो जे सेही वळी सेही वळी अन्य अनुरूप कोण गुडी कर मध्ये प्रमाण करा जाई पारे वेरी प्री सिंपल नेक्स्ट देखिबा उपपाद्य नंबर 5 देखिबा पिला माने उपपाद्य नंबर 5 प्रथमे उपपाद्य को पढ़ी रखिबा दुईटी समांतर सरल रेखा को एक छेदक जदि छेद करूची ताले प्रत्येक जोड़ जोड़ा एकांतर कोणर परिमाण समान हो ये भी बहुत सिंपल देखो केमती करिबा आमे प्रथमे अमर काम होउची जहाँ भी देइथिबो चित्रटी जदि अंकन कर दबा एवं चित्र सहायता रे बुझिबा को चेष्टा करिबा ये आम पाइं टिके सहज होइ जाय देखो मु एठी दुईटी समांतर सरल रेखा L1 एवं L2 नेली L3 होची छेदक L3 कोण छेदक जितेबेले दुईटी समांतर सरल रेखा को गोटीए सरल रेखा छेद करे आठ गोटी कोण सृष्टि हुए एक दुई तीन चार पांच छ सात आठ देखो प्रथम काम कोण आमे दत्त लिखिबा दत्त अर्थ जहां आमको प्रश्न रे दिया जाइछि बा गिवन अछि कोण दुईटी समांतर सरल रेखा एटी समांतर सरल रेखा के L1 समांतर L2 एवं L3 उची समानंकर छेदक L3 उची समानंकर छेदक बुझियला पिला माने समस्तंकर समानंकर छेदक एवं आउ कोण दिछि एकांतर कोण 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 हेबे 3 ओ 6 एकांतर 4 ओ 5 एकांतर तमे लिखि दबा इहला फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट विल बी कोण एंगल 3 ओ एंगल 6 तापरे एंगल 4 ओ एंगल 5 ये कोण बे एकांतर कोण जोड़ा बा एकांतर बात लिखि परिबो इते एकांतर कोण हैला एकांतर कोण दत्त गला तापरे कोण लिखिबा पिला माने प्रामाण्य प्रामाण्य रो अर्थ कोण जहां आमको प्रमाण करबा को दे छि प्रमाण करबा कोण दे छि जे जो एकांतर कोण गुड़ी कहला समानंकर परिमाण समान अर्थात एंगल 3 रो मूल्य एंगल 6 सहित समान एवं एंगल 4 रो मूल्य एंगल 5 सहित समान तो मैं यदि चाहिबो मेजर एंगल 3 इक्वल टू मेजर एंगल 6 मेजर एंगल 4 इक्वल टू मेजर एंगल 5 एमति मध्ये लिखि पारिबो कोनो असुविधा नै तापर कोन करबा दत्त गला प्रामाण्य गला तापर असला प्रमाण जोटी अंकन रो आवश्यकता थिबो अंकन होबो नले डायरेक्ट हमें प्रमाण कसिबा केमिति करबा देखो बहुत सिंपल देखो आमे कहि परबा मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3 काहे कि न ये होचंती प्रतिप कोण जदि देखि परछ पिला माने देखो एंगल 2 से तो के समान एंगल 3 समान आको दे दबा इक्वेशन नंबर 1 तापर देखिबा एंगल 2 से तो के समान हो एंगल 6 समान हो काहे कि ना मेजर एंगल 2 इक्वल मेजर एंगल 6 कोण पई ये होचंती अनुरूप कोण ये कोण अनुरूप ये होचंती अनुरूप कोण आको दबा हम इक्वेशन नंबर 2 वर्तमान देखो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 रो हमें कोण पाइले ना मेजर एंगल 2 का सहित समान मेजर एंगल 3 सहित समान हला आ मेजर एंगल 2 का सहित समान मेजर एंगल 6 सहित समान बा हमें यदि शॉर्टकट रे कहिबा जे मेजर एंगल 3 रो मूल्य मेजर एंगल 6 जोटा के हमें प्रथम प्रमाण्यटा थिला ताको हमें इठी प्रमाण कर देले बुझियला तो हमें एई जको प्रमाण करिवार कोनोसे आवश्यकता नाही आको हमें कोण करिबा लिखि देबा जे सेही भली प्रमाण करा जाई पर जे तळ को लिखि बला ने मु साइड रे लिखु छी बारंबार को छी तळ को तळ लिखियो जा लिखिबो हला कोन लिखिबो सेही भली प्रमाण करा जाई पारे जे प्रमाण करा जाई पारे जे मेजर एंगल 4 मेजर एंगल 5 से तो समान हबो बस सरीला हमरो केते इजी इजी टॉपिक अछि वर्तमान एही जिंसटा को मु कोथरे बुझेबी डायग्रामटिकली बुझेबी ए सिंपल सा कांसेप्ट को पूर्ण इथरे डायग्राम पे देखो कोन कहिला कांसेप्ट कांसेप्ट कहिला जे दुईटा समांतर सरल रेखा अछि L1 L2 आकु ओटे छेदक छेद करिछि ताना होछि L3 से कहला जे एटी जो कोण गुडा को सृष्टि होछि कोण गुडा को कोण होछि
सृष्टि होची से कोण गुड़ाक जो एकांतर कोण गुड़ाक से समान माने आमको प्रमाण करिवार छि जे एंगल 3 इक्वल एंगल 6 एंगल 4 इज इक्वल एंगल 5 केमती प्रमाण करिबा देखो स्टेप नंबर 1 एंगल 2 से तो के समान एंगल 3 से समान एंगल 2 से तो के समान एंगल 3 समान काहे कि प्रतिपक्षण सेमिति स्टेप नंबर 2 एंगल 2 से तो के समान हबो एंगल 6 समान हबो बस तले एंगल 2 से तो जदी एंगल 3 समान एंगल 2 से तो जदी एंगल 6 समान तले 3 और 6 समान हबे एंगल 3 इक्वल एंगल 6 हबे जोटा कि हमरा प्रमाण करिवार थिला बस हे गेला हमरा एकांतर गुण कोण गुड़ी कर परिमाण समान तो हम लिख दो सही वाली प्रमाण करा जाई परे जे एंगल 4 इक्वल एंगल 5 बस दैट्स इट वेरी वेरी इजी नेक्स्ट देख देखो कोण कहला गोटी समतल रे दुईटी सरल रेखा अछि एवं दुईटी सरल रेखा किछि कहिनि समांतर बोली किछि देनि तमे जा भी नै परिबो एवं कहला जे गोटे छेदक छेद करूछि गोटे छेदक छेद करूछि एवं जदि तार एकांतर कोण गुडीकर परमाण समान हुए तले हमकु प्रमाण करिवार अछि जे ए दुईटी कोण हबे समांतर हबे तो वेरी वेरी सिंपल पिला माने किछि डिफिकल्ट नै देखो दत्त दत्त कोण कहला देखो आमे उपपाद नंबर 6 डिस्कशन करू छी दत्त हमकु कोण कहला दत्त कहला जे एक समतल रे दुईटी सरल रेखा अवस्थित त हमें कोण लिखि परबा एक समतल रे एक ठीक है माने एक समतल रे l1 ओ l2 दुईटी सरल रेखा l1 ओ l2 दुईटी सरल रेखा तो l3 लिखि देवा सरल रेखा को l3 जथा क्रमे हला l3 छेद करू छी को बिंदु रे p बिंदु ओ q बिंदु नै जीवा l3 जथा क्रमे p ओ q बिंदु रे छेद करे क्यू बिंदु रे छेद करू करे बा छेद करे जहां भी लिख पर कि असुविधा एवं सेकंड कोण कला जे एकांतर कोण गुड़ी कर परिमाण समान एथि एकांतर कोण को कोटा हमें तो ना दे देबा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तने 3 से तो 6 समान आ 4 से तो 5 समान हला किंतु कोई छि कोण एथि तने दुटी एकांतर कोण रो परिमाण समान अच्छे तले हमें कोन कहबा कोटा कोटा एंगल 3 और एंगल 6 हला एवं एंगल 4 एंगल 4 और एंगल 5 ये कोन दुई जोड़ा हला दुई जोड़ा एकांतर कोण दुई जोड़ा एकांतर कोण हला पिलाने डायग्राम को टिके साइड को करिवो एमति डायग्राम भीतर पसे दनु जेतु स्पेस नाइ मु सेति पे पसे दउची एंगल 3 इक्वल एंगल 6 आ एंगल 4 इक्वल एंगल 5 एटा अति के हमरो दत्त अछि आमे प्रामाण्य लिखिबा प्रामाण्य कोण जहां प्रमाण करबा को दैछि प्रमाण करबा को दैछि जे सरल रेखा दुटी समांतर अर्थात l1 समांतर l2 बोली हमकु प्रमाण करबार अछि केमति करबा वेरी वेरी सिंपल किछि नै कांसेप्ट देखो एंगल 2 से तो के समान एंगल 3 समान काहे कि समान प्रतिपकोण कोण पै समान प्रतिपकोण एडी मेजर लिखि दियो मेजर माने माप हला एवं आकु दे दियो लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 आउ कोण दे छि हमरो एंगल 3 से त के समान एंगल 6 मेजर एंगल 3 से त के समान मेजर एंगल 6 तमे चाहिले दत्त लिखि परिबो किबा चाहिले एकांतर कोण मध्य लिखि परिबो लेट्स से इट विल बी इक्वेशन नंबर 2 तले कोण लिखिबा आमे जिंस गुटे देखिले समीकरण 1 एवं समीकरण 2 रु मेजर एंगल 2 से तो मेजर एंगल 3 समान मेजर एंगल 3 से तो एम एंगल 6 समान तले मु कहि परबि ना नै जे एम एंगल 2 मेजर एंगल 2 इक्वल टू मेजर एंगल 6 कहि परबि किंतु पिलान देखो 2 आउ 6 कोण ए 2 आउ 6 किंतु लिखि दो तले लिखि कोण किंतु ए माने अनुरूप कोण किंतु ए माने अनुरूप कोण तले हमे कहि परबा जे l1 समांतर l2 सर पचरेबे ये तो अनुरूप कोण हेले तले l1 l2 समांतर केमथि हेला तार उत्तर होची अनुरूप कोण स्वीकार्य अनुरूप कोण स्वीकार्य रे कोण कहिला ना जेते बेले दुईटी अनुरूप कोण समान हबो दीटा सरल रेखा कोण हबो समांतर हे जीवो ये होची अनुरूप कोण स्वीकार्य आमे आगुरु कोण पडुथिले ना जेते बेले दुईटी सरल रेखा समांतर होतिला
तार अनुरूप कौन होता समान होता किंतु अनुरूप कौन स्वीकार अनुसार कौन कहला ना गोटे समतल हैला एटा तो समस्ते बुझी सारी लिखी दियो मध्य मुझे अनुरूप कौन स्वीकार सहित डिस्कशन करदे पे ये लिखीदेव ला अनुरूप कौन स्वीकार देख तुम सहित डिस्कशन करदे कौन अनुरूप कौन स्वीकार कौन कहला अनुरूप कौन स्वीकार कहला जे एक समतल दुईटी सरल रेखा को जदि गोटे छेदक छेद करुची एक छेदक दुईटी बिंदु छेद करुची एवं आम देखिले जे अनुरूप कोण परिमाण समान हेला तले कहि परिबा जे दुईटी सरल रेखा परस्पर सहित समांतर हेबे एटा ही होची अनुरूप कोण स्वीकार्य जो माने चाहूच खातारे मते लेखि परिबो मु डाकि दउची अनुरूप कोण स्वीकार्य लेख पिला माने एक समतल रे अवस्थित एक समतल रे अवस्थित दुईटी सरल रेखा को एक छेदक दुईटी बिंदु रे छेद कले देख एक समतल रे अवस्थित दुईटी सरल रेखा को एक छेदक जदि दुईटा दुईटी बिंदु रे छेद कले एवं दुईटी अनुपूरक कोण रो परिमाण समान हुए तेबे सरल रेखा दुईटी समांतर हेबे सरल रेखा दुईटी समांतर हेबे आकु कोण कहिबा ना अनुरूप कोण स्वीकार्य वेरी वेरी सिंपल नेक्स्ट देखियो पिला माने अमर उपपाद्य नंबर सिखिबा पिला माने उपपाद्य नंबर 7 उपपाद्य नंबर 7 कोन कहला दुईटी समांतर सरल रेखा तो हमें दुईटी समांतर सरल रेखा अंकन करले गोटे छेदक ताकु छेद कला ओके लेट्स से दुईटी समांतर सरल रेखा L1 और L2 हो गोटे छेदक माने कर L3 हो कहला छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वयर परिमाण समष्टि 180 डिग्री हे जो दुईटी सरल रेखा परस्पर को दुईटी सरल रेखा समांतर होता गोटे छेदक छेद करे ना आठ गोटी कोण सृष्टि कोण एक दुई तीन चार पांच छ सात आठ हला आठ गोटी कोण सृष्टि दत्त कोण कहला लिखा दत्त अर्थात जहाँ देखिए कौन देखिए दुईटी समांतर सरल रेखा अर्थात एल वन पारलाल टू एल टू एवं छेदक किए एल थ्री होकर छेदक से छेदक से छेदक कौन दत्त अच्छी ना छेदकर एक ओके आउ किसी देनी दत्त ये केवल दि जिनस आम जब एक्सट्रा एड करदे अंतस्थ कोण दिए किए किए एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण लिखीदेव जदि लिखा गोटे पॉइंट आम एड करस्थ अंतस्थ कोण द्वय किए अंतस्थ कोण द्वय होती एंगल थ्री एवं एंगल फाइव एवं एंगल फोर एवं एंगल सिक्स है दिटा आमको दत्त दी प्रामाण्य प्रामाण्य अर्थात जहा प्रमाण करने को हम प्रमाण कौन दी ना एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वयर परिमाण समष्टि 180 अर्थात प्रमाण करने को दी मेजर एंगल थ्री प्लस मेजर एंगल फाइव इक्वल टू 180 डिग्री एवं मेजर एंगल फोर प्लस मेजर एंगल सिक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री ये दुटा जिनस प्रमाण करने को देपर करें प्रमाण केमिति प्रमाण करिबा देखो आमे जानिचे एंगल टू और एंगल फोर को मिसेले केते हबो 180 डिग्री हबो काहिं कि ना ए दीटा सन्निहित परिपूरक एही दीटा कोण सन्निहित परिपूरक कोण हैला 180 डिग्री तले देखो पिला माने एंगल टू सहित के समान हबो एंगल थ्री कोण पई ना प्रतिप कोण बा ऑपोजिट एंगल प्रतिप कोण हैला तापर एंगल फोर सहित किए समान हम एंगल फाइव एंगल फोर सहित किए समान हम एंगल फाइव कोण पई ना एकांतर कोण एकांतर कोण बर्तमान पिलाने तल को तल लिखे जेहेतु जगह ना मुझे सैड लिखी दूसरी देख आम कौन देखिले एंगल टू प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री देख एंगल टू रूल्य क्या सहित सामान एंगल थ्री सहित सामान ये मेजर पकईदे सब मेजर पकईदे मेजर अर्थ हो मेजर 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 एंगल
हला मेजर पकेते सुक्त ताले मेजर एंगल 2 का से तो समान मेजर एंगल 3 से तो समान मेजर एंगल 4 का से तो समान मेजर एंगल 5 से तो समान इज इक्वल टू 180 जोटा के हमें प्रमाण करिवार थिला आ एटा को प्रमाण करिवार कोनोसे आवश्यकता नाही तमे सीधा सलक भाबर लेखिबो जे सही भली प्रमाण लिखि देबो तळ पिलन हला सही भली प्रमाण करा जाई पारे जे प्रमाण करा जाई पारे जे परे जे एम एंगल मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री हम वेरी वेरी सिंपल हला तो आकु पिलाने बारंबार कुछ गोटे भलो नोट रे लेखि के रखिबो जेमती तुमको सुविधा बा एग्जाम रे वर्तमान ए प्रश्न टिकू केवल एवं केवल डायग्राम साज रे बुझी रखुछ देखो दुईटी सरल रेखा छ से दुईटी सरल रेखा कहला समांतर गोटे छेदक छेदक करिछि L3 गोटे कुछ छेदक से कहला जे जो कोण गुडा को सृष्टि होउछि से कोण गुडा को सृष्टि होउछि से कोण गुडी कर एको पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण माने एंगल 3 आ एंगल 5 एवं एंगल आउट पार्श्व कोण एंगल 4 एंगल 6 एको पार्श्वस्थ अंतस्थ कोणर परिमाणर समष्टि केत हो 180 डिग्री हो एई दे को प्रमाण कर बोली कहला करबा ठीक अछि आमे जानी छे एंगल 2 प्लस एंगल 4 केते 180 डिग्री एंगल 2 प्लस एंगल 4 केते 180 डिग्री काहे के माने परस्परर सन्निहित परिपूरक देखो एंगल 2 टा का से तो समान एंगल 3 से तो समान काम कोण पई प्रतिपकण तो एंगल 2 जगह में एंगल 3 पके परिबे एंगल 4 जगह पके परिबे एंगल 5 कोण पई ना माने उचंदी कोण एकांतर कोण इक्वल टू 180 डिग्री तले आमे जोटा प्रमाणित करबा को चाहू थिले जे एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री सेट अप फाइंड आउट कर देले तापरे तमे चाहिले एंगल 4 प्लस एंगल 6 को इक्वल टू 180 डिग्री प्रमाण कर दे परिबो और एल्स अदरवाइज कोन करबो लिखि देबो जे सही भली प्रमाण करा जाई पारे जे एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री आई होप समस्त रो क्लियर वर्तमान देखिबा आमे लास्ट उदाहरण एई चैप्टर शेष उपपाद्य ए पार्ट रे में कांसेप्ट सारी देले एवं नेक्स्ट पार्ट रे में कोन करबा जेति कि तमरो एक्सरसाइज दिछि ताको डिस्कशन करबा देखो एक समतल रे थिबा दुईटी सरल रेखा गुटे समतल रे थिबा दुईटी सरल रेखा को एक छेदक दुईटी बिंदु रे छेद करे तले L1 और L2 दुटा सरल रेखा एवं L3 सरल रेखा ताको दुईटी बिंदु रे छेद करूछि ना दे देला में P एवं Q कला दे कहिला जे एको पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वारा परिमाण समष्टि 180 डिग्री होची तले प्रमाण करबा जे सरल रेखा दे समांतर होबो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हला दत्त दत्त कोण कहला एक समतल रे दुईटी सरल रेखा त लिखि देबा सही कथा एक समतल रे एक समतल रे थिबा दुईटी सरल रेखा छोटो पिला बले मु तुमको गोटे गोटे धाड़ी लेखि बुझे दउ छी एक समतल रे थिबा दुईटी सरल रेखा के L1 ओ L2 कु L3 सरल रेखा एम लेखि देबो ना L3 ऊपर कर दियो सरल रेखा चिन्ह हला L3 सरल रेखा जथाक्रमे POQ बिंदु रे छेद करूछि POQ बिंदु रे छेद करूछि POQ बिंदु रे छेद करूछि एरा दत्त तापर कोण कला दत्त कोण दिछि जे एको पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वारा परिमाण समष्टि 180 डिग्री एको पार्श्वस्थ अंतस्थ के 3 या 5 4 या 6 ताले एको पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण जोड़ा किए किए हबो एंगल 3 एंगल 5 एंगल 3 एंड एंगल 5 एवं एंगल 4 एंगल 6 एंगल 4 ओ एंगल 6 येला एको पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण जोड़ा एवं एठी कला जे जो एको पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण होछंती से मानंकर परिमाणर समष्टि
180 डिग्री तुम चाहिए ए गोटे स्टेप एड कर दे पार कौन से असुविधा ना हेलो तो बर्तमान ये कनसेप्ट लिखिदे कौन लिखा प्रामाण्य कौन लिखा प्रामाण्य अर्थात जहाँ प्रमाण करवा प्रमाण करने को देखिए सरल रेखा दुए समांतर एलवान एल टू समांतर है प्रमाण करवा वेरी वेरी सिंपल देख प्रमाण कमी करवा आम जानचे एंगल टू प्लस एंगल फोर इज 180 डिग्री कौन पे पे एंगल टू और एंगल फोर को मिसले 180 डिग्री कौन पाई ना बिकज अफ एम कौन सन्निहित परिपूरक कौन सन्निहित परिपूरक कौन ओके दिस विल बी इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू कौन लिखा एंगल फोर आउ एंगल सिक्स एंगल फोर आउ एंगल सिक्स को मिसले के 180 डिग्री कौन पाई तुम लिखिपर जो एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कौन कि लिखी दि दत्त दत्त आमको देखिए एंगल फोर प्लस एंगल सिक्स इक्वल टू 180 डिग्री इक्वेशन नंबर टू बर्तमान इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू रु आम कौन पाइले जिते बड़े दुईटा समीकरण दक्षिण पार्श्व सामान थाए ऑटोमेटिकली बाम पार्श्व कौन हुए समान हो जाए तो एंगल टू प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फोर प्लस एंगल सिक्स एंगल फोर कटिगला रहा कौन ना एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स रहा कि पाने एंगल टू आउ एंगल सिक्स कौन ये लिख तलू तल लिख पा तलू तल लिख जगह नहीं लिखुची लिखब कौन किंतु एम अनुपूरक कोण कि कौन अनुपूरक कोण आम जानचे अनुपूरक कोण स्वीकार्य कौन कहूँ ना दुईटी सरल रेखा को गोटे छेदक छेद कले से उत्पन्न अनुपूरक कोण जेते समान ही जाए दुईटी सरल रेखा डेफिनेटली समांतर हवा कथा हेबे ताहले आम लिखिपर जेहेतु अनुपूरक कोण समान तो ओब्वियसली दुईटी सरल रेखा समांतर हे लिखिदेव जेहेतु अनुपूरक कोण स्वीकार्य जेहेतु अनुपूरक कोण स्वीकार्य आई होप समस्त क्लियर बर्तमान ये वन सी कॉन्सेप्ट पार्ट इज ओवर आपको भल भाव पढ़ी रख गोटे सुंदर नोट बनाओ अक्षर सुंदर सुंदर करके लेख एवं नेक्स्ट क्लास रे यही जो पढ़िले ताकू ही बेस करके हमें वन सी को डिस्कशन करिबा सेती पर्यंत ऑल द वेरी बेस्ट सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय